नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सावन में। आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम हर नए रिलीज़ होने वाले गाने और फिल्म से आपको रूबरू करवाते हैं, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं फिल्मी सितारों के बारे में और फिल्मों के बारे में, नई रिलीज़ होने वाली फिल्मों के बारे में, शूटिंग के बारे में। लेकिन इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं जो वेबकास्ट और जितने भी चैनल्स हैं कुछ भोजपुरी के, जिस पर कई सारे गाने रिलीज़ होते हैं, उन गानों की जानकारी हमें आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर सिंगर बहुत मेहनत करता है अपने गानों को रिलीज़ करवाने से पहले, और वो गाने दर्शकों तक ना पहुँचे, दर्शक उन्हें सुने ना, तो फिर शायद उनकी मेहनत बेकार जाती है। इसलिए इस प्रोग्राम में हम कुछ सिंगरों का और उनके गानों का जिक्र करते हैं जो नए तौर पर रिलीज़ हुए होते हैं। तो आज जो सबसे पहला गाना रिलीज़ हुआ है, उस गाने का नाम है हमरे निवान कैल, एल्बम का नाम है, सॉन्ग का नाम भी हमरे निवान कैल ही है, जिसके सिंगर हैं धीरज पाठक। इस गाने के लिरिक्स दिए हैं सुमित द्विवेदी ने और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं मनोज आर्यन, वीडियो डायरेक्टर हैं अतुल जी, और वेब म्यूज़िक पर यह गाना रिलीज़ हुआ है। ये ऑडियो सॉन्ग है जो एक लड़का लड़की के लिए गाता है, रानी हो अगिया लगावत अरु पानी में, जिसे सुनने के बाद आपको अच्छा महसूस ज़रूर हो सकता है। शुक्र है गाने का वीडियो नहीं है। खैर, आप लोग अगर सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वेब म्यूज़िक पर आपको ये गाना आज की तारीख में सुनने को मिल जाएगा। और इस गाने का वीडियो नहीं है तो शुक्र इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जितने भी गाने अभी रिलीज़ हुए हों उसके वीडियो देखकर शायद आप आंखें बंद कर लें या फिर गाना सुनना ही बंद कर दें। वेल, बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगले गाने के बारे में। इस एल्बम का नाम है दुल्हा शराबी। दुल्हा शराबी थे, शायद आपको कुछ याद आ गया होगा, आप सोच रहे हैं अंकुश राजा का ये गाना है, लेकिन ये गाना अंकुश ने नहीं, इस बार सिर्फ राजा ने गाया है। सॉन्ग है ऊहे सरजी से और सिंगर हैं राजा यानी अंकुश के भाई, जो काफ़ी सारे गाने अकेले गा चुके हैं। इनके गाने के लिरिक्स दिए हैं गर्दा सियाधी ने जो, और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं मोहित मौर्य और दिलीप सिन्हा, वीडियो डायरेक्टर हैं आर्यन देव, और वेब म्यूज़िक से ये गाना रिलीज़ हुआ है। ये वीडियो सॉन्ग है जो बहुत ज़्यादा अश्लीलता से तो नहीं है, लेकिन फिर भी अश्लीलता है इस गाने में, तो जो लोग नहीं देखना चाहते भोजपुरी में द्विवर्थी, वो इस वीडियो से परहेज करें। और इस गाने का है ट्यूशन जौन पढ़वले बने ऊहे सरजी से हम शादी करें। गाना शायद एक लड़की और ट्यूशन मास्टर पर फिल्माया गया है, जो लड़कियाँ 10th 12th में हैं, वो ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, शायद उनको ध्यान में रखकर राजा ने ये गाना बनाया होगा। गाना सिर्फ सुनने में अच्छा लग सकता है, मस्ती भरा गाना है, मनोरंजक वाला गाना है, लेकिन देखने में शायद ही आपको अच्छा लगे। वेल, बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगले नए रिलीज़ होने वाले गाने के बारे में। एल्बम का नाम है नैहर में और सॉन्ग है लहंगा में मरलस बिछिया, और सिंगर है धांसू सिंह का, जो मतलब सिंगर है धांसू सिंह और लिरिक्स है धानजी के, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं शंकर सिंह और वीडियो डायरेक्टर है आर्यन देव की, और वेब म्यूज़िक से ये वीडियो सॉन्ग रिलीज़ हुआ है। गाने से पता चल गया होगा कि द्विअर्थी गाना है, और हरियाणवी गाना का आपने सपना चौधरी का वो डांस ज़रूर गाना ज़रूर सुना होगा कि आग लगावे से करके कुछ गाना है सपना का, उस गाने की धुन पर ही ये गाना फिल्माया गया है, जिसे लोगों ने पसंद किया था, और हो सकता है इस गाने को भी पसंद करें। और इस गाने का म्यूज़िक बड़ा शानदार है, डीजे सॉन्ग के रूप में भी इस गाने को प्रयोग में लाया जा सकता है। वेल, बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगले नए गाने के बारे में। सॉन्ग है चला ना उघार के छतिया और टू, ये दूसरा पार्ट है, इस एल्बम का भी यही नाम है, और सिंगर हैं इसके मोहित मिश्रा, लिरिक्स हैं मुन्ना दुबे के, म्यूज़िक दिया है मुन्ना दुबे ने ही, और वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स पर ये वीडियो सॉन्ग के रूप में ये गाना रिलीज़ हुआ है, जिसमें परी हैं जो भोजपुरी की, जो पहले भी काफ़ी सारी वीडियो सॉन्ग में काम कर चुकी हैं, वो ही इस गाने में वीडियो सॉन्ग में डांस करती हुई नज़र आई हैं। और लाखों के लहंगे पर गाना बना है, लहंगा बेशक से सस्ता पहना हुआ है परी ने और डांस कर रही हैं, लेकिन लाखों के लहंगे पर गाना बना है जो लोगों को पसंद भी आ रहा है, जिसे मोहित मिश्रा ने अपनी आवाज़ में गाया है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। मोहित मिश्रा ने ना सिर्फ इसमें गाना गाया है बल्कि वो इस गाने में एक्टिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं।
तो बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगले नए गाने के बारे में जो है भयल मन जोगिया। गाने का सुन के आपको पता चल चुका होगा कि ये गाना मेहंदी लगा के रखना 2 फिल्म का है, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है। और भयल मन जोगिया फिल्म मेहंदी लगा के रखना 2 फिल्म का है। प्रोड्यूसर जिसके अंतर्गत अनंजय रघुराज हैं, डायरेक्टर मंजुल ठाकुर हैं, और प्रदीप पांडे, चिंटू, यश कुमार, ऋचा दीक्षित, मनोज टाइगर, रजनीश झांझी, ज्योति पांडे और अंजुना सिंह इसमें नजर आएंगे। रजनीश मिश्रा ने ही इसका म्यूजिक दिया है। आने वाली 27 तारीख को मेहंदी लगा के रखना 2 रिलीज होगी, तो आप लोग इस फिल्म का इंतजार कीजिए। गाना तो आप लोग सुन ही चुके हैं, ये ऑडियो सॉन्ग के रूप में रिलीज हुआ है जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया है। आप सभी भी इस गाने को सुन सकते हैं वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स पर जाके, और गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि प्रेम भरा गाना है, रोमांटिक गाना है। इसमें इसके वीडियो सॉन्ग आपको ट्रेलर में देखने को मिला होगा जिसे दर्शकों ने पसंद किया था। आगे आने वाले समय में भी जब ये फिल्म रिलीज होगी तो दर्शकों को ये गाने बहुत पसंद आएंगे, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि मेहंदी लगा के रखना के ऑलमोस्ट जितने भी गाने रिलीज हो रहे हैं दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब ट्रेलर को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल चुका है, तो बस कुछ दिनों का इंतजार है, 1 हफ्ते का इंतजार है, उसके बाद सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज होगी। तो अभी तक जिस गानों के बारे में हमने बताया है, उन गानों को गाने वाले सिंगरों से जुड़ी कुछ जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए। आजकल भोजपुरी भाषा में हर कोई गायन कर लेता है, लेकिन संगीत का असल मतलब शायद ही कोई जान पाया हो, क्योंकि जिस तरह के गाने आए दिन सामने आते हैं उसे देखकर आप कह नहीं सकते कि ये कोई अच्छा गाना है जिसे किसी अच्छे और जानकार सिंगर ने गाया हो। इसलिए आज हम आपको संगीत या फिर गाने के बारे में कुछ खासा जानकारी देने जा रहे हैं। संगीत वो है, गायकी वो है, जो आवाज़ सुनने वाले को कहीं खोने पर मजबूर कर दे, एक ऐसी आवाज़ और एक ऐसी कला जो रस की सृष्टि से भरी हो। हालांकि संगीत नाम 3 कलाओं से मिलकर बना है, जैसे गाना, बजाना और नाचना, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा गाना लिख लेता हो वो अच्छा गा भी लेता हो। इसके बावजूद भोजपुरी में कई ऐसे राइटर्स भी हैं जो अपनी आवाज़ में गाने भी के एल्बम दर्शकों के बीच लेकर आते हैं। आवाज़ बेशक से कुछ लोगों की ही अच्छी हो, लेकिन पैसा और नाम पाने की होड़ में आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में हर छोटे से बड़ा स्टार लगा हुआ है। देखा होगा आपने त्योहारों के समय पर आपको कई सारे एल्बम मार्केट में और सोशल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। वो एल्बम किसी अच्छे सिंगर्स के नहीं हैं, बल्कि उन लोगों के हैं जो अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं, जो नाम पाना चाहते हैं। तो आप ही बताइए, ऐसे स्थिति में भोजपुरी का संगीत, आवाज़ और कला कैसे सामने निखर कर आ पाएगी। दरअसल भारतीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। वेदों का मूल मंत्र है ओम। शब्द में अक्षर आ, उ और मा सम्मिलित है, जो ब्रह्म अर्थात सृष्टिकर्ता विष्णु और जगत पालक और महेश संहारक की शक्तियों के द्योतक है। इन तीनों अक्षरों को ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में भी लिया गया है, और संगीत के 7 स्वर ऋषभ गंधार यानी सा र ग म प ध नि सा का ओंकार के ही आत्मविभाग हैं। साथ ही स्वर और शब्द की उत्पत्ति भी ओम के नाम से ही हुई है। मुख से उच्चारित शब्द ही संगीत में नाद का रूप धारण कर लेता है, और इस प्रकार ओम को ही संगीत का जगत माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि जो साधक ओम की साधना करने में समर्थ होते हैं वही संगीत को यथार्थ रूप से ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन यहाँ तो संगीत की शिक्षा लिए बिना ही हर कोई होड़ में लगा है गाना गाने के। गाना कौन सा गा रहे हैं ये सभी को पता है, लेकिन कैसा गा रहे हैं इस पर शायद कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। यदि दार्शनिक दृष्टि से इसका गृहार्थ निकाला जाए संगीत का, तो इसका तात्पर्य यही है कि ओम पूरे संपूर्ण सृष्टि का एक अंश हमारी आत्मा में निहित है और संगीत उसी आत्मा की आवाज है। संगीत की उत्पत्ति हृदयगत भावों में ही पाई जाती है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगरों में शायद ही हो। लेकिन आजकल संगीत भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई सिर्फ गाना चाहता है, लेकिन अच्छा गाना कोई नहीं चाहता।
तो ये थे आज के वो नए रिलीज होने वाले गाने जो भोजपुरी के तमाम चैनल्स पर रिलीज हुए हैं। अगर आप भी इन गानों से जुड़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो हमारे बताए अनुसार आप उस चैनल पर सर्च करके इन गानों को सुन सकते हैं। और गानों को सुनिए, कैसा लगा कमेंट के जरिए बताइए और शेयर भी कीजिए। तो तब फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि अगले प्रोग्राम में फिर होगी ऐसे ही कुछ नए गानों की जानकारी लेकर। और हाँ, हमारे नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।